हेलो फ्रेंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। फिर से एक बार मैं सुमन सिस्टर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल पेशेंट के कैथेटर कैसे लगाते हैं और फीमेल पेशेंट को कैथेटर को कैसे रिमूव करना होता है। तो इसका पूरा प्रोसीजर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, तभी आपको पूरा प्रोसीजर कैथेटर रिमूव करने का अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि कैथेटर जो होता है और एक यूरो बैग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैथेटर जो नलकी होती है वो फीमेल के यूरेथ्रा वाले पार्ट में लगाई जाती है। और देखिए, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, आगे की तरफ एक बलून सा फूला हुआ है। वह इसमें अभी जब आप मेडिकल से खरीदते तब नहीं आता है। इसे फुलाने के लिए आपको पीछे जो ये लाल रंग की रबड़ दे रखी है, यहाँ से डिस्टिल वाटर पुश करना होता है। और साथ ही जो यहाँ पे देखिए 2000-1500 इस तरह से कुछ ML लिखे हुए हैं, ये है यूरो बैग जिसे कैथेटर से कनेक्ट करना होता है। एंड यहाँ पे हम बताते हैं आपको कि देखिए, जो ये रेड वाला रबड़ है, यहाँ से हमको डिस्टिल वाटर जो होता है वो पुश करना होता है। तो डिस्टिल वाटर पुश करने के बाद में आगे जो बलून होता है वह फूल जाता है और यूरेथ्रा के अंदर हमारा पैक हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम ये डिस्टिल वाटर इसमें डालते हैं तब ये कैथेटर लग जाता है। जब इसे रिमूव करना होता है तब इसी डिस्टिल वाटर को हमें इसमें से निकालना होता है और इसी निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कैथेटर रिमूव करना। तो देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जहाँ पे लाल रबड़ है और एक मुंह उस तरफ है, दो मुंह है। तो इधर वाला जो मुंह है यहाँ पे हमें यूरो बैग को कनेक्ट करना होता है और साइड में जो रेड रबड़ वाला मुंह है जहाँ पे सिरिंज लगी हुई है, यहाँ से कैथेटर रिमूव भी होता है और कैथेटर को हमको फिक्स भी करना होता है। तो यहाँ पे जब हम सिरिंज के अंदर डिस्टिल वाटर भरते हैं और इसमें पुश करते हैं तो यहाँ पे कैथेटर फिक्स हो जाता है। और जब यहीं से हम वापस सिरिंज इसमें ऐड करके डिस्टिल वाटर को निकाल लेते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। तो देखिए, प्रैक्टिकली हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ये सिरिंज है 10 ml की और ये देखिए रबड़ है रेड कलर का। यहीं पे एक तरफ यूरो बैग कनेक्ट है और जिसमें पेशाब की थैली में यूरिन आता है। यहाँ पे देखिए, अभी 10 ml हमने इसके अंदर से डिस्टिल वाटर निकाल के फेंक दिया है और अब देखिए वापस थोड़ा बहुत इसमें होगा तो इसको हल्के हल्के हाथ से हम इस तरह से खींचते रहेंगे पीछे सिरिंज को और धीरे से इस तरह से निकालेंगे तो पेशेंट को ना तो ब्लीडिंग होगी, ना ही दर्द होगा, ना ही जलन होगी और बहुत ही इजीली ये प्रोसीजर हो जाता है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में।